विकास खंड गोसाईगंज के प्राथमिक विद्यालय मटेरा में गंदगी का लगा अंबार। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर राजधानी लखनऊ के अंतर्गत गोसाईगंज से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अंतर्गत गोसाईगंज विकास खंड स्थित प्राथमिक विद्यालय मटेरा में विद्यालय परिसर के अंदर चारों ओर कूड़े तथा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब इस संबंध में प्राथमिक विद्यालय की इंचार्ज चेतना गुप्ता से वार्ता हुई तो साफ साफ धमकी भरी भाषा में पत्रकारों से वार्ता की तथा अपने चहेतों से लगातार पैरवी भी लगवा रही है। अतः इस परिस्थिति में शिक्षा जगत को यह बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। भारत मीडिया के लिए बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। लाइव है हम लाइव है। अभी एक बार बुलाते हैं, रुको। बाहरी व्यक्ति विद्यालय के बच्चों का जो है। आपका नाम? अभी रुको। आपका नाम? रुको। आप कौन है ये बताइए, पत्रकार है कौन है? जी मैं पत्रकार हूँ, न्यूज 24। रुको। आपका नाम? रुको एक मिनट। रुको। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं प्राथमिक विद्यालय मटेरा में खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है जिसकी मैंने वीडियो बनाई। वो वीडियो मैंने पत्रकार संवाददाता को भेजी। जिस वीडियो बनाते ही समय यहाँ की जो इंचार्ज हैं उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया और उन्होंने मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन होते हैं कि यहाँ पर आप वीडियो बना रहे हैं। मैंने गंदगी देखी यहाँ पर, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी गंदा रहता है। यहाँ पर बच्चे उसी गंदगी में बैठते हैं, उसी गंदगी में खाते हैं, उसी गंदगी में पीते हैं। तो मैंने गंदगी की वीडियो बनाई और उसको भेजने की कोशिश की ताकि विद्यालय परिसर साफ हो जाए। लेकिन इस पर यहाँ की इंचार्ज जो हैं चेतना गुप्ता जी प्राथमिक विद्यालय मटेरा गोसाईगंज में, उन्होंने मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी है। कृपया आप लोग मेरा सहयोग करें।